अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हरफान चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमेरिका न्यूयॉर्क में। उम्मीद है अल्लाह से और दुआ भी है कि आप सब खैरियत से रहें। तो आज की जो वीडियो है, जो इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ, वो इस हवाले से है कि कौन सा स्टेट जो है वो जॉब के लिए बेहतर है कि बंदा आए और वहाँ पर अपने लिए जॉब तलाश करे, या ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कौन से स्टेट में, कौन से शहर में, सादा अल्फाजों में कौन से शहर में। तो ऐसे तो बहुत बड़े शहर है यहाँ, 50 स्टेट है, 50 स्टेट इन अमेरिका में। तो जैसे ज़्यादातर लोग शिकागो में भी बहुत से पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, हर जगह पर सारे लोग, सारे पीपल कहीं ना कहीं देसी पीपल रिहाइश करते हैं। तो अगर कोई जॉब के हवाले से आना चाहते हैं, और मेरी मालूमात की जो थोड़ी सी, जो मुझे थोड़ी सी मालूमात है उसके हवाले से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जॉब के लिए आना चाहते हैं कि जहाँ पर जॉब काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको किसी भी शोबे में मिल सकती है, तो कौन से स्टेट पे आए, कैलिफोर्निया आए, टेक्सास आए, या शिकागो चले जाए बंदा, या वाशिंगटन DC, फिलाडेल्फिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है, 50 स्टेट है। तो अगर मेरे से सवाल पूछा जाए तो कहाँ पर आना चाहिए, तो मेरे पास जितनी भी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसे न्यूयॉर्क आना चाहिए जॉब के सिलसिले के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मुख्तलिफ शोबे है, बहुत बड़ा शहर है, आपको हर स्किल के आपको यहाँ पे जॉब मिल सकती, पूरे अमेरिका में मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको मिल सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस देखा, यहाँ जितने भी मैंने अरसा गुजारा है, तो इस लिहाज से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क बेस्ट है जॉब के हवाले से। और इस तरह मुख्तलिफ और भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, वो अगर कोई बंदा यहाँ पर पॉलिटिकल असालम करना चाहता है, यहाँ पर अगर वो अपना स्टेटस चेंज करना चाहता है, तो उसकी फिर क्या तरतीब है, क्या पोजीशन होगी, क्या उसकी प्रोसेस होगी, और वो यहाँ पर बेहतर है, उसके लिए कौन सा स्टेट बेहतर है, कहाँ पर जल्दी आपको आपकी स्टेटस चेंज हो सकती है, कौन से स्टेट पे, वो मैं अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। ये एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं दूँगा आपको, और उम्मीद है कि मेरे थोड़ी सी मालूमात से अगर आपको कोई फ़ायदा पहुंचता है तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। तो ये थी कि जॉब के हवाले से, अगर अमेरिका में हर साल ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क में लाखों के तादाद में, लाखों की मिलियंस जो है यहाँ पर बॉर्डर क्रॉसिंग पे बहुत से इमिग्रेट और हर किस्म के लोग, चाहे वो वीज़े के पे आते हैं, चाहे वो बॉर्डर से आते हैं, चाहे वो अपने फैमिली रिलेटिव के बुनियाद पे आ जाते हैं, तो वो सभी न्यूयॉर्क आते हैं। तो यहाँ पर जॉब भी काफ़ी है और पीपल भी काफ़ी है। तो ये आप ना सोचिए कि भाई मैं जो यहाँ पर आ जाऊँ और मुझे जो है कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, शुरू में मुश्किलात होगी, जैसे मैंने आपको अपने सारे बहुत सारे वीडियो में आपको बताए कि आपने इस तरह जॉब लेनी है, आपने इस तरह जो है अपने लिए रिहाइश इख्तियार करनी है, कहाँ से लेनी है, कहाँ से आसानी से मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, और अब भी जो है ये वीडियो जो बना रहा हूँ इसके लिए है कि न्यूयॉर्क बेहतर है जॉब के हवाले से, यहाँ बहुत सारे आपको जॉब मिल सकती है, अगर आपके पास वर्क परमिट और सोशल सिक्योरिटी आ जाते हैं तो फिर आप बात चाहें। तो ये थोड़ी सी मालूमात देनी थी, अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का खुसूसी ख्याल रखिए, उनसे दुआएं लीजिए, अपने सिस्टर का ख्याल रखिए, उनसे भी दुआएं लीजिए, और अपने हर उस रिलेटेड जो आपके साथ रिलेटेड है रिश्ते में, उससे उनका ख्याल रखिएगा, और अपने आपको दुआओं में उनसे दुआएं लीजिए कि कल आप, वो लोग आपको कल याद करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई मालूमात के साथ। वस्सलाम।